ओके चलें अब देखते हैं थोड़ा सा सिंबल्स के ऊपर, कि हमारे पास कुछ सिंबल्स भी होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, जैसे इस निशान का क्या नाम है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, एट द रेट साइन, हैश साइन, डॉलर, परसेंट, कैरेट एंड एस्टेरिक साइन, स्मॉल ब्रैकेट, स्टार्ट एंड ओवर, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हम मैथमेटिक्स पे कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, माइनस, अंडरस्कोर, इक्वल, प्लस, इसको कौन से ब्रैकेट कहते हैं, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, हाँ कर्ली ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं इसको, ठीक है, सिंगल कोट, स्टार्ट एंड ओवर, डबल कोट और लेस देन, कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट या ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश और इस निशान को क्या कहते हैं, पाइप साइन। अच्छा ओके, अब ये निशान कीबोर्ड पर कहाँ है, कीबोर्ड पर ये जो सारे ऊपर वाले निशान है ये तो 1 2 शिफ्ट के साथ आप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके साथ आएंगे, ये जो निशान है ये खुद सिंबल्स हैं और कीबोर्ड पे इस तरह से दिए हुए होते हैं, और इसके करके दिखा देते हैं आपको, ये इस तरह से, ये जो पाइप साइन है वो यहाँ होता है इंटर के ऊपर, जस्ट ऊपर शिफ्ट के साथ आएगा ये पाइप साइन, एक लाइन क्रिएट होती है, ये आपके लिए नई चीज होगी, बाकी तो आपको सारे पता ही है इसमें, ठीक है ना, ये वाला निशान आपके लिए थोड़ा सा नया है, और एक ये वाला निशान, ठीक है, और इसमें एक नहीं लिखा मैंने, उसको हम कहते हैं टिल्डा साइन, ये वन से भी पहले एक बटन होता है शिफ्ट के साथ देंगे, ये वाला बटन, इसको हम कहते हैं टिल्डा, टिल्डा साइन, ठीक है, समझ में आ गई, तो याद रखना है इन साइन के नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछूंगा मैं आपसे और शॉर्ट कीज के बारे में पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये आपने करके आना है और इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा।